चलिए अब हम लोग अमोनिया की स्ट्रक्चर पे बात कर देते हैं। अमोनिया की संरचना कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है। तो अमोनिया का सूत्र, जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि अमोनिया को NH3 से प्रदर्शित करते हैं। एक नाइट्रोजन एटम होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन का एटमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s, 2s, 2p, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन के जो वाहिनी कोष होता है जिसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, उस सेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी कोष दूसरा है, संयोजी कोष बोलते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं संयोजी कोष के, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रॉन लेकर के पेयर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है कि यहां जो अमोनिया है, अमोनिया में जो संकरण है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, sp3 संकरण होता है, और जो आकृति है इसकी वो पिरामिडल होती है, पिरामिडल आकृति होती है। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सारी बातें अमोनिया के बारे में है। तो अमोनिया की ज्यामिति पिरामिडल क्यों होती भाई, देखो तो उसके बारे में ये समझ लें आप कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये अमोनिया की जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इस पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम लोग शो कर सकते हैं इस तरीके से। ये पिरामिड बनाता है, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया बनाती है। ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये यहां जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड एंगल का अर्थ ये है HNH बॉन्ड एंगल 107, HNH बॉन्ड एंगल ये भी 107 का होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर होता है। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहता है संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृतियों के परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर के समान ऊर्जा और आकृति के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाती है। तो 1s और 3p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेंगे तो sp3 संकरण की घटना होगी, और sp3 संकरण के कारण जो है 4 संकरित कक्षक बनते हैं। उन 4 संकरित कक्षक में से एक कक्षक के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, एक कक्षक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। शेष जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और उनके साथ हाइड्रोजन जो है ओवरलैपिंग करके जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखना चाहें तो ये नाइट्रोजन और ये उसका लोन पेयर,
एच एच एच, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हम पहले ही बता चुके हैं 160 डिग्री का होता है। कहीं कहीं बुक्स में आपको 106 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा, ध्यान रखना, आपको 106 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा, 106 डिग्री 51 मिनट लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हमें बॉन्ड एंगल को राउंड फिगर में बताना होता है तो 107 डिग्री कह देते हैं। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा एक्यूरेट अनाउंस करना है तो 106 डिग्री 45 मिनट या 106 डिग्री 51 मिनट, जैसा कि बुक्स में दिया है। तो ये स्थिति हो गई, ये सारे तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और इसको हम लोग जानते हैं, इसको लॉन पेयर कहते हैं। और यहां एक रिपल्सन की घटना होती, बेटे रिपल्सन की घटना कहां होती है, यहां रिपल्सन होता है। और रिपल्सन क्यों होता है, ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, ये रिपल्सन की घटना यहां क्यों होती है। ये यहां रिपल्सन देखने को मिलता है, ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन क्यों होता है, इसको बोलते हैं लॉन पेयर और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लॉन पेयर बनाम बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल हमने आपको बताया है कि जो बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। अब आप कहें कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, तो उसके पीछे तर्क है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, संकरण sp3 है, तो जो ज्यामिति बनती है यौगिक की वो समचतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। लेकिन यदि कोई लॉन पेयर या कई लॉन पेयर हैं तो क्या होता है, उसकी ज्यामिति रेगुलर ना होकर के विकृत हो जाती है, और वो विकृति यहां प्रदर्शित हो रही है, रिपल्सन की घटना इधर हो रही है, इधर हो रही है। ये रिपल्सन क्या है, ये लॉन पेयर होते हैं जो किसी से बॉन्डेड तो रहते नहीं है, तो ये रिपल्सन क्रिएट करते हैं। और ये किसको रिपल करते हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन की क्रिया होती है। इस रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, ये बॉन्ड्स थोड़े से फैले रहते हैं, वो बॉन्ड्स थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे और कम हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर के 160 डिग्री या 106 डिग्री 45 मिनट का रह जाता है। ये बात जान लीजिए, ये बात पूछी जा सकती है आपसे कि क्यों अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है जबकि उसको 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, या प्रश्न आपसे यह किया जा सकता है कि क्यों अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, समचतुष्फलकी क्यों नहीं होता है, जबकि संकरण इसमें sp3 होता है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल तार्किक हैं, कई बार पूछे गए हैं, वाइवा में एग्जामिनर भी पूछता है और थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें। और ये जो रिपल्सन होता है, ये एक्सप्लेन होता है, एक थ्योरी है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, BSEPR थ्योरी। इसको कहते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत, जो गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। गिलेस्पी और नाइहोम, ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को जिन्होंने 11th में पढ़ा है। BSEPR थ्योरी एक्सप्लेन करती क्यों लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लॉन पेयर बनाम लॉन पेयर होता है, उससे कम रिपल्सन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और उससे भी कम रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बंद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बंधित इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन के बीच में। इधर इसके और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो सकता है, लेकिन वो रिपल्सन की दर कम होती है, इधर रिपल्सन ज्यादा होते हैं, सो जो बॉन्ड फैले होते हैं वो थोड़ा सा
कंप्रेस हो जाते हैं, नीचे को दब जाते हैं और बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। जो इसकी ज्यामिति समचतुष्फल की होनी चाहिए, टेट्रा हेडल होनी चाहिए, वो भी रिड्यूस होकर के कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। और पिरामिडल आपने जानते हो पिरामिड कैसा होता है, और पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको इस तरीके से और मिला देंगे, ये पिरामिड बन गया, ठीक है। इसको मैंने ब्लू शेड नहीं डाला है, इधर से आप और मिला देंगे तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। तो भाई ये अमोनिया की ज्यामिति हो गई, इसको समझ लें, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्यामिति पिरामिडल होती है, बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है, जबकि 109 डिग्री 28 मिनट का दावा किया जाता है। और ऐसा क्यों हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करती है BACPR थ्योरी, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहरी को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रिपल्सन होता है लोन पेयर बनाम बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर हो गई बात, चलिए उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसको समझने के बाद अपनी अटेंडेंस YouTube पर देना ना भूलें, क्योंकि वही एक अटेंडेंस का जरिया है जिससे हम पहचान पाते हैं कि किन किन बच्चों ने वीडियो को सीन किया है और किन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। धन्यवाद।